अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। सो हम ट्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़े थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, आज हमने इसे एग्जांपल्स करनी है। सबसे पहले हम इसे ये आसान वाले एग्जांपल्स करते हैं, फिर थोड़ी मुश्किल वाली तरफ चलते हैं। सो ये मैदा 7 है हमारे पास, हमने ऐसी पावर्स बनानी है जिससे हमारे पास मैदा ट्यूब आ जाए। जैसे हमें पता है मैदा ट्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 से बराबर होती है। सो अगर हम इसे स्प्लिट कर लें टू पार्ट्स में, मैदा 6 और मैदा मैदा ट्यूब का शेयर, मतलब 2 3 का सिक्स ही होता है, 1 शेयर विच इज 1। अब मैदा 63 है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास 3 की पावर में आ जाए। 63 से अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 टू जार 6 एंड 3 वन जार 3, तो यानी ये 3 की पावर में आ जाता है 63। तो ये मसला नहीं है, हम इसी तरह लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये पीछे हमारे पास 21, 1 से 1000 पावर, ये 1 तो 1 ही रहता है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब माइनस 16 ले लेते हैं, 1 बाय मैदा 16, इसे भी हमने 3 की पावर बनानी है। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास ये इवन में है या ओड में है, हमें 3 की पावर बनानी है। 16 तो हमारे पास 3 की पावर में नहीं आता ना, 15 आता है, 3 5 15। सो हम 15 अलहदा कर लेंगे और ये अलहदा कर लेंगे, उमैदा 3 5 डॉट उमैदा 1 5 डॉट उमैदा 1 बाय उमैदा। सो ये हमारे पास आ जाएगा ये, हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जिसमें हमारे पास उमैदा 1 बाय उमैदा स्क्वायर था, उमैदा स्क्वायर 1 बाय उमैदा था। और अगर इधर हम ये वाला भी इस्तेमाल करना चाहें, उमैदा क्यूब इज इक्वल टू 1, और हम इस तरह भी कर सकते हैं, उमैदा क्यूब बाय उमैदा विच इज इक्वल टू उमैदा स्क्वायर। ये हमारे पास उमैदा माइनस 16 की वैल्यू आ जाएगी। सो हम एक और भी माइनस में कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलते हैं अगले पेज पे, उमैदा माइनस 27, तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, ये हमारे पास 3 की पावर में आ जाता है, 3 9 27 होता है। सो वी कैन राइट इट इज एज इट इज, उमैदा 3 हमारे पास 1 होता है, 9 1 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। सो उमैदा माइनस 27 इक्वल टू 1। सो ये हमने उमैदा की पावर्स में थे वो हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल्स ही हैं ये भी, इवेलुएट करना है। माइनस 1 प्लस माइनस 3 पावर 8 प्लस माइनस 1 माइनस 3 पावर 8। सो हमारे पास उमैदा की वैल्यू थी माइनस 1 प्लस माइनस 3 बाई 2 एंड उमैदा स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस 1 माइनस 3 बाई 2। तो अगर हम इसे उमैदा पुट करना चाहते हैं तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। हम अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमें इस सवाल सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम मैं तो हमारे स्टूडेंट हम लेट पैरा चलते ही रहेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 उमैदा, जो इस पूरी पे है ये 8। सो ये 2 उमैदा पूरे पे है ये, तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 2, ये भी पूरी पे है, उमैदा स्थिर है, ये माइनस वाला हमारा स्थिर होता और ये भी 8 आ जाएगा। 2 तो 8 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 256, उमैदा 8 है हमारे पास, इधर भी 256 आ जाएगा। उमैदा 2 ये पहले है और 8 ये है, 2 8 16, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम लेंगे इधर से 256 कॉमन, जिसे हमने अपने आंसर से सिंप्लीफाई करना है, हमने नंबर्स फॉर्म में ले आना है। सो इसलिए हम ये टेंशन तो लैदा लैदा कर लेंगे,
अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं मज़ीद। अब हमने इसे 3 की पावर में बनाना है। 3 2s are 6 होता है तो 6 लोअर 3 5s are 15 होता है तो मैं तो अलग कर लेते सही मसला नहीं, हम जो मर्जी करते रहे। अब हम करते हैं 256 उमैदा ट्यूब्स अस्तियर डॉट उमैदा अस्तियर और इसके साथ हमारे पास उमैदा 3 पावर 5 डॉट उमैदा उमैदा ट्यूब हमारे पास होता है 1, इसलिए तो हम इतना सिंप्लीफाई कर रहे थे हमारे पास 1 आ जाए। उमैदा अस्तियर प्लस ये भी हमारे पास 1 पावर 5 डॉट उमैदा तो ये आ जाए हमारे पास 256 उमैदा अस्तियर प्लस उमैदा। सो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सम प्लस रूट का जो हमारे पास होता है सम वो 0 से बराबर होता है ये। सो हमारे पास मैदा स्टेयर और मैदा तो है 1 नहीं है तो ये उस साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास इससे बराबर आ जाएगा 256। इससे ज़्यादा हम ये पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू -256 ये हमारे पास ट्रू हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स माइनस उमैदा वाई एंड एक्स माइनस उमैदा स्क्वायर वाई। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं यानी ये वाली और इसे इस फॉर्म में ले आते हैं। सो हम इसे लेते हैं राइट हैंड साइड को तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस उमैदा वाई एंड एक्स माइनस उमैदा स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई। अब इसे इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर मतलब पहले इस वाली वैल्यू तो इस पूरी के साथ करेंगे फिर माइनस उमैदा वाई तो इस पूरी के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस उमैदा स्क्वायर एक्स वाई। तो इससे हमने इस पूरी के साथ कर लिया। अब माइनस उमैदा वाई तो इस पूरी के साथ माइनस उमैदा वाई एक्स माइनस माइनस प्लस उमैदा क्यूब वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा छोटी सी मिस्टेक हमारे पूरे सवाल गलत कर सकती है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सो आप देख लें हमारे पास यहाँ पे भी एक्स वाई यहाँ पे भी एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई तो हमारे ले लेते हैं हम यहाँ से उमैदा स्क्वायर प्लस उमैदा एंड उमैदा क्यूब हमारे पास 1 होता है तो इधर ही पुट कर लेते हैं एक्स माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर हमारे पास उमैदा स्क्वायर प्लस उमैदा माइनस 1 से बराबर होता है तो इसे हम माइनस 1 पुट कर लेते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। सो हमने इसी एग्जाम्पल्स भी कर ली हैं इसी प्रॉपर्टीज हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है या मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। हम इल्म अपने पास नहीं रख सकते हमें इसे दूसरों तक भी पहुंचाना होता है। सो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इसे शेयर करें और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने से लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको तो चैप्टर मुश्किल लगता है 10, 11, 12 और 9 क्लास में से मैं ज़रूर करवाऊँगी। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हामी और नासिर।